मस्तूम खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से रबता किया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाके के मकाम की जियो फिनेंसिंग भी जारी है। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से रबता किया गया है। सीटीडी के मुताबिक हमलावर के औसार डीएनए के लिए भिजवाए जा रहे हैं। वाकये में मुलविस किसी शख्स की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मस्तूम खुदकुश धमाके में 60 अफराद जाँबाग और 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए।